एक बहुत खास पर्सनैलिटी हमारे साथ आज मौजूद हैं। जिनको हम कहेंगे छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो मल्टी टैलेंटेड हैं, उनके अंदर काफी सारे टैलेंट हैं। आपको देख के लग रहा है कि आप फुल चार्ज हो गया है और आप हमेशा चार्ज ही रहते हैं। आप अपनी इतनी जो है ना वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आके वीडियोस बना रहे होते हैं, बिल्कुल जोश के साथ। कहाँ तक पढ़े हो तुम? 10 बजे तक। 10 बजे? 9 बजे स्कूल शुरू हुआ। जब 1 घंटा हो गया तो प्रिंसिपल साहब समझ गए कि घंटा में कुछ पढ़ सकता हूँ। कितने रंग से मुराद मेरी ये है कि कोई है जो आपकी जिंदगी में रंग डालता है या डालती है? अभी तक तो कोई भी नहीं है। ऐसा इंसान बनना है जो शादीशुदा कहलाए, किसी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो आप चाहते हैं खा के पछताना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ मामजरा। नाज़रीन, टिकटॉक क्या है? बहुत से लोग टिकटॉक को एक बीमारी का नाम देते हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो टिकटॉक वाकई में एक बीमारी है, जिसको लग जाए तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन बहुत से लोगों ने टिकटॉक से ही अपने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। मैटर नहीं करता कि आप टिकटॉक पर क्या कर रहे हो, बस आप में टैलेंट होना चाहिए तो वो आपका टैलेंट बोलेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपने टैलेंट को टिकटॉक के ज़रिए दुनिया के सामने ला रहे हैं, और उसी में से एक बहुत ख़ास पर्सनैलिटी हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनको हम कहेंगे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जो मल्टी टैलेंटेड हैं, उनके अंदर काफ़ी सारे टैलेंट हैं, लोग काफ़ी उन्हें पसंद करते हैं और वो बहुत ही कम अरसे में देखते ही देखते बड़े मशहूर हो गए हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं आकिब नवाज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आकिब, मैं बहुत मज़े में हूँ, आप बताएं कैसे हैं? आज आपको देख के लग रहा है कि आप फुल चार्ज होके आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप हमेशा चार्ज ही रहते हैं, आपकी वीडियोस से अंदाजा होता है कि आप हमेशा फुल चार्ज रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपकी भी बताएं कि माइंड में ये कब आया कि मुझे टिकटॉक पे वीडियोस बनानी चाहिए? दरअसल मेरा एक कजन है, वो टिकटॉक की वीडियोस वगैरह बनाता था। ठीक है। तो एक दिन मैंने उसके साथ बना ली, तो फिर जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो फिर मैंने इरादा किया क्यों ना मैं भी अब जो है टिकटॉक पे आऊँ। तो इस तरह मेरा जो है टिकटॉक पे कदम मैंने रखा है। अच्छा, कौन सी वीडियो थी सबसे पहले वायरल गई आपकी टिकटॉक पर? मेरी एक वीडियो थी, मीम थी। तो उस पर मैं दरअसल अपनी वीडियोस के ऊपर टैक्स लिखता हूँ। सही है, मैंने देखी। तो वो मैंने मीम ये लिखी हुई थी कि जब मुझे ज़मीन से पैसे मिल गए, और ये करने के बाद फिर नेक्स्ट जो होता है उसमें मैं फनी किस्म का डांस करता हूँ। सही। तो जो वाली मेरी जो वीडियो थी काफी वायरल हुई है। सही। तो तकरीबन 2 मिलियन व्यूज आए थे। ओह, 2 मिलियन। जी। अच्छा, ये जो टैलेंट है कि आप डांस भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं, सिंगिंग भी कर लेते हैं, और आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं वीडियोज में वो बड़े कमाल के होते हैं, ये क्या शुरू से ही था या फिर टिकटॉक पे आने के बाद से अचानक से अंदर से एक नया आकिब नवाज निकला? ये शुरू से ही ऐसा है, और थोड़ा सा मैंने और जो है अपने आप को एक्टिंग फील्ड में इंप्रूव किया है अपना, और आगे बेहतर मैं करता जा रहा हूँ अपने आप को। सही। अच्छा, ये बताएं कि डांस खुद ही अपनी तरफ से करते हैं, मतलब सीखा है कुछ, किया है डांस के हवाले से, या खुद ही बस नेचुरली निकलता है? अच्छा, ये डांस वाली जो है ना, ये पैदाइशी है मेरे साथ। पैदाइशी है? पैदाइशी है, मैं जो है बचपन से डांस कर रहा हूँ। सही। स्कूल वगैरह में मैंने काफी परफॉर्म किए। ठीक है। अच्छा, आके आपकी फिजिक को लेकर कभी जो है ना आपको लोगों की तरफ से तनकीद की गई हो, या माशरे में आम लोगों की तरह ना समझा गया हो, इस तरह की कुछ चीजें आपके साथ कभी हुई हैं पर्सनली? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अपने घर के अगर मैं बताऊँ तो घर में मुझे एक नॉर्मल तरीके से जो है मेरे साथ जो है बिहेव किया जाता है। तो और कभी मुझे ना एहसास होने दिया इस चीज़ का। और बाहर भी जो मेरी गैदरिंग है, फ्रेंड्स वगैरह हो गए, तो उन्होंने भी कभी ऐसा मुझे एहसास होने नहीं दिया, और ना मैंने अपने आप को कभी जो है
मैं अपने आप को नॉर्मल समझता हूँ। तभी आप अपनी इतनी जो है ना वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आके वीडियोस बना रहे होते हैं, बिल्कुल जोश के साथ। कहीं से भी नहीं लगता कि आप किसी भी चीज को लेके एहसास कमतरी का शिकार हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने हर हाल में खुश हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने मुझे जो है इतना टैलेंट दिया है। सही। अच्छा आगे भी बताएं, वैसे क्या आपकी जो है ना फर्दर लाइफ में क्या प्लानिंग्स हैं, क्या एजुकेशन अभी आप हासिल कर रहे हैं और क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके? मैं अभी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और इसके अलावा गोल्स काफ़ी हैं और जो है बस अल्लाह बस मेहनत कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा अभी टिकटॉक पे कितने फॉलोवर्स हो गए? मेरे अभी टिकटॉक पे 5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। अच्छा जब कोई भी इंसान फेमस होता है और लोग कभी ऐसा हुआ है कि आपसे फैंस ने बोला हो कि भाई आपसे मिलना है या आपको कॉल्स आ रही हो कि भाई आपसे मिलना है? बिल्कुल पहुंचे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मिलना चाहते हैं और काफ़ी लोग मिले भी हैं इनसे। सही है। अगर कोई घर पे भी आ जाए तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई अपने घर वालों को मैंने बोला है कि अगर कोई घर पे भी आ जाए तो उसको ये नहीं बोलना कि आखिर कहीं गया हुआ है। सही। उनको बोलना कि अच्छा आखिर जो है आपसे मिलेगा तो मैं मिल लेता हूँ उनसे। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप सिंगिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, तो सिंगिंग भी पैदाइशी है या फिर ये कहीं से सीखी है या बाद में शौक हुआ है? सिंगिंग बस शौकिया करता हूँ, कहीं से सीखी नहीं है मैंने। सही। अच्छा ये बताएं फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वालिदा हैं और 4 भाई हैं हम और 1 बहन है। अच्छा आगे अगर आप बताना चाहें इस वक्त हमारे देखने वालों को तो आप बताएंगे कि ये जो आपके साथ फिजिक का है तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आपको ताकि लोगों की नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो? नहीं ये दरअसल कोई बीमारी नहीं है, ये एक पैदाइशी तौर पे कुछ होते हैं इस तरह के, जो पैदाइशी तौर पे होते हैं, इनमें कोई बीमारी वगैरह नहीं है। सही है। मतलब वैसे आप पूरे मुकम्मल इंसान? मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही सही, बड़ी अच्छी बात है। और ये मुकम्मल नहीं है, कुछ ज्यादा ही है, मैं इनको बोलूंगी कुछ ज्यादा ही है, इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है, इनके अंदर टैलेंट तो बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। अच्छा आगे भी बताएं कि जब आपने टिकटॉक की वीडियोस बनाना शुरू करी तो आपने मीम्स वगैरह क्यों बनाई? आपने लोग अक्सर होते हैं सॉन्ग होते हैं उस पर लिपसिंग कर रहे होते हैं, अलग अलग तरह के कॉन्टेंट होते हैं, लेकिन आपने इस चीज की तरफ क्यों ध्यान दिया? दरअसल मीम्स वगैरह मैंने जो है टिकटॉक पे इसलिए बनाना शुरू की क्योंकि मुझे मीमर बनना था। सही तो है। मैंने सोचा क्यों ना टिकटॉक पे भी ये मीम्स वगैरह बना के गाली दें। अच्छा टिकटॉक से सिर्फ जो है वो फेम ही मिलता है या फिर कुछ खर्चा पानी भी मिलता है? नहीं सिर्फ फैन मिलता है आपको टिकटॉक पे और कोई खर्चा पानी, हाँ अगर स्पॉन्सरशिप आ जाए तो वो फिर अलग बात है, लेकिन इसके अलावा आपको सिर्फ फैन मिलता है। सिर्फ फेम मिलता है, मतलब अर्निंग कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके अलावा जो अदर्स ऐप हैं, जो ये स्नैक वीडियो हो गई और इस तरह के, इनसे अर्निंग होती है? इनसे होती है। तो कितनी अर्निंग हो जाती होगी आपकी? मैं अगर अपना बताऊं तो मेरी इतनी ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है? क्यों? दरअसल मैं वहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा। अच्छा जैसा देना चाहिए मुझे तो इस वजह से। अच्छा अभी हाल ही में इन्होंने YouTube चैनल अपना लॉन्च किया है, किस नाम से? जोजी भाई के नाम से। जोजी भाई के नाम से, JOJY जोजी भाई के नाम से इन्होंने अपना एक YouTube चैनल लॉन्च किया है जिसपे ये अपनी डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं। अच्छा आके भी इतना देर से ख्याल क्यों आया YouTube चैनल बनाने का? अगर मैं आपको बताऊँ दरअसल यूट्यूब पे आने का इरादा मेरा 8 से 3 साल पहले का था, लेकिन ये सोचने में मुझे 2 से 3 साल लग गए। तो अब जाके मैंने अमली कदम उठाया। अच्छा इतना टाइम क्यों लगा आपको सोचने में? बस कुछ टिकटॉक पे कितना अर्सा हो गया? मुझे अभी 1 साल होने वाला, 1 साल हो चुका है, कंप्लीट हो गया 1 साल। तो आपने अब कैसे आप इस नतीजे पर पहुंच गए कि मैं चैनल अपना बना लूं? दरअसल अब जो है टिकटॉक से काफ़ी माशाल्लाह से मुझे वहाँ पे व्यूवरशिप अच्छी है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे लोग पसंद करते हैं, अब उनको मैं अब सिर्फ टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि जहाँ पे आप सिर्फ एक चीज़ कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी मेरे लिए मैं दूर भी हो रहा हूँ। अच्छा तो अब मैंने सोचा कि ना एक जो है यूट्यूब पे भी साथ अपनी ऑडियंस को लाया जाए। कैसा रिस्पांस आ रहा है आपके व्लॉग पर? अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पांस है।
तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अच्छा ये बताएं, आपको वैसे देख के लगता तो है कि आप जो है ना वो बड़े ही कोई रंगीन मिजाज इंसान है। अच्छा। अब ये बताएं कितने रंग हैं आपके जिंदगी में, कितने रंग से मुराद मेरी ये है कि कोई है जो आपके जिंदगी में रंग डालता है या डालती है? अभी तक तो कोई भी नहीं है, एक ख्वाहिश है। क्या है कि एक औरत बनना तो, एक ऐसा इंसान बनना है जो शादीशुदा कहलाए। बिल्कुल हक है, सबका हक है। शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो आप चाहते हैं खा के पछताना? ठीक है, बाकी ये है कि वैसे कोई आपके जो फैंस हैं उनमें लड़कियां ज्यादा हैं या लड़के ज्यादा हैं? मेरी जो फैन फॉलोइंग है उसमें लड़के ज्यादा हैं। लड़के ज्यादा हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं? जी बहुत ज्यादा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता मुझे उनकी तरफ से। दरअसल मेरा कॉन्टेंट मीम्स टाइप का होता है। और वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो ये आइडियाज भी खुद ही आपके माइंड में आते हैं? जी बिल्कुल खुद ही आते हैं सारे आइडियाज। ठीक है, अच्छा आके हमें कोई प्यारा सा कोई सॉन्ग सुनाए आप अपनी आवाज में। अच्छा हाँ, कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप? जो आप सुनाना पसंद करेंगे। अच्छा चलो सही, पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा मन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पर को लेके आ जीने जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ अभी जा, दोनों जहाँ मेरी बाहों में आ अभी जा, बेबी आई लव यू। वाह भाई वाह, इतना फील करके गाना गाया है जी, कुछ तो राज है। कुछ तो राज है नहीं, ये फीलिंग्स ये नेचुरली निकल रही थी तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारे माइंड में कोई तो था जिसके लिए तुम्हारी ये फीलिंग्स बाहर आ रही थी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और बस ये दिल से गाया। ठीक है, अच्छा आके जी इस वक्त देखने वालों को, जो लोग देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहोगे अपनी तरफ से, कुछ बोलना चाहोगे अपने जो तुम्हें पसंद करते हैं उनके लिए भी और जो नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान के सिर्फ चाहने वाले ही हों, हर इंसान के एक मेजॉरिटी है जो चाहने वाली होती है और एक मेजॉरिटी है जो नहीं चाहने वाली होती है, और वो थोड़े होते हैं साइको, उनके अंदर तकलीफें बहुत भरी हुई होती हैं, वो खुद को भी पसंद नहीं करते हैं, दूसरों को भी पसंद नहीं करते हैं, और सब में कीड़े निकालते रहते हैं। तो यकीनन आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसे लोग होंगे जो कीड़े निकालते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो कीड़े वालों के लिए और चाहने वालों के लिए आप कुछ बोलें? सबसे पहले मैं बोलूंगा कीड़े निकालने वाले मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जो लोग जो है अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनको गिराने वाले बहुत होते हैं। सही है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो हूँ मुझे 100% तो नहीं प्यार कर सकते लोग, बिल्कुल किसी को भी नहीं करते ऐसे। हमें ये देखना चाहिए कि अगर आपको 70% लोग प्यार दे रहे हैं तो बाकी 30% लोग क्या बोलते हैं आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे भी काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल, फिर मैं एक तरफ देखता हूँ कि यार 70 लोग भी प्यार करते हैं, लोग प्यार करने वाले लोग बहुत होंगे, अब गिने चुने लोग मुझे कुछ बोल भी रहे तो इग्नोर कर गया। उनकी अपने घर में कोई इज्जत नहीं होती है, वो दूसरों को क्या बोलेंगे, उनका काम ये कमेंट पास करना, बिल्कुल करेंगे, अपनी आदत से मजबूर हैं, लेकिन आपने उनको इग्नोर करना, उनकी बातों को दिल में नहीं रखना। तो और मैं ये दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा अल्लाह पाक से उम्मीद रखनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इंसान जो है हमें अब यहाँ से कर दो जाएगा, फिर से कर, हमें अल्लाह पाक से उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है,
और सच्चे दिल से हमें मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल। और जो है मेहनत का सिला तो अल्लाह पाक लाजमी रहता है। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे मुझे एक शायर याद आ गए इराम इकबाल का, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बनने से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वाह, बता तेरी रजा क्या है। ये काफी एक जो शायरी है इराम इकबाल की, इसके अगर गहराई में जाया जाए तो समझ लगे कि नहीं। आप पहुंच गए हैं गहराई में शायरी। मैं गहराई में नहीं पहुंचा अभी, मैं अधूरा हूँ, अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं अभी रस्ते अभी रस्ते में हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये सवाल कर रही थी आपसे कि क्या लगता है कि टिकटॉक बनाते बनाते आप गहराई में उतर जाएंगे? गहराई में उतर तो जाऊंगा, लेकिन क्या करूँ, खतरनाक रास्ता है, थोड़ा मुश्किल मुश्किल पेश आएगी। सही, उतर जाएंगे। देखिए आपने अल्लामा इकबाल का शेर जब जी, पढ़ा जी, तो मुझे ये लगा कि शायद आप गहराई में उतर चुके हैं, क्योंकि आपने फिर बोला ना कि बहुत गहराई में है ये शेर, अगर सोचे तो बहुत गहराई में है जी। तो आपको कब अंदाजा हुआ कि अच्छा ये बताएं कि कितनी गहराई है? बहुत गहराई है इसमें, अगर एक इंसान जो समझे इस बात को सीरियस होकर तो काफी गहराई है। अच्छा, तो चाहने वालों के लिए कुछ मैसेज दे रहे थे आप? तो मेरा एक चैनल है, व्लॉगिंग चैनल है, और जर्जी भाई के नाम से, जे और जे वाई और आगे भाई, तो आप सर्च कीजिएगा, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा लाजमी। और आपको इनके व्लॉग्स में आहिस्ता आहिस्ता अल्लामा इकबाल की शायरी में गहराई में जाने का रास्ता भी दिखाएंगे। हाँ। और कुछ नहीं पता कि कुछ दिनों बाद ही आपको गहराई में उतर के भी दिखाएंगे, तो इनके व्लॉग्स देखते रहें, इनको सपोर्ट करें, और आप लोग भी तैयारी करें गहराई में उतरने की। तो उम्मीद करती हूँ कि आकिब से मिलके आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी आज से गहराई की तरफ जाने के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।